नमस्कार, भाषा संवाद में आप सभी का स्वागत है। यदि आप खबर देख रहे हैं, खबर को और भी अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से आपको लगता है कि आप तक पहुंचने चाहिए, तो सबसे पहले ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनको लाइक कर दीजिए। यदि खबर बेहतर लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स को लिखना भी जरूर रखिएगा। जारी है। फिलहाल अब हम खबर की बात करते हैं। खबर दरअसल गोरखपुर से जुड़ी हुई है। यहाँ जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बता दें कि तमाम शिक्षा को बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। फादर खुद इसके लिए लगातार लगे रहते हैं ताकि किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो। अभिभावक लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ में बेहतर वो सामंजस्य भी बनाए रहते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के संकट काल में फिलहाल लगातार जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो किसी तरीके से बाधित ना हो, उसके लिए भी फादर लगातार प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए तमाम चीज़ों को दूर किया जा सके। हालांकि इन सबके बीच में साजिशन कुछ लोगों ने वहाँ हंगामे की भी अफवाहें उड़ाई थी, लेकिन वो बातें निराधार निकली। फादर ने साफ तरीके से कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उन्हें सभी तरीके से शिक्षा व्यवस्थाएँ मुहैया होंगी और उनको उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव स्कूल उनके साथ खड़ा नजर आएगा। शासन के साथ है, अभिभावकों के साथ है और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान हानि पहुंचाना हम नहीं चाहते हैं। हम सबके साथ मेल मिलाव में, भाईचारे के साथ खुशी से मिलकर समाज में रहना चाहते हैं और आप सबको मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद।